नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बस्सी उपजिला अस्पताल में इन दिनों रोज करीब 1500 से 1700 मरीज आ रहे हैं, जबकि इस समय मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके चलते हुए मरीजों की काफ़ी संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। इसके बारे में बस्सी उपजिला अस्पताल के सीएससी प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र मीणा ने जानकारी ली। तो डॉक्टर विजेंद्र मीणा ने बताया कि बस्सी उपजिला अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ की कमी के चलते काफ़ी परेशानी आती है। इसके बारे में हमने कई बार उच्च अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवा दिया है। उनका कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। इस समय कार्य प्रोसेसिंग में चल रहा है, जबकि बस्सी उपजिला अस्पताल में करीब 50 से अधिक गाँव से ज़्यादा लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है, और हमने इसके बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया था। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा, जबकि बस्सी क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मण मीणा को भी नर्सिंग स्टाफ की कमी व अन्य के बारे में अवगत करवाया था। इस दौरान विधायक लक्ष्मण मीणा ने कहा कि जल्द ही उप जिला अस्पताल में कर्मचारी और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था करवा दी जाएगी, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये जानकारी क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मण मीणा ने दी, जबकि बस्सी क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मण मीणा के द्वारा बस्सी उपजिला अस्पताल में काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है। ये जानकारी सीएससी प्रभारी विजेंद्र मीणा के द्वारा दी गई है। सर, यहाँ जो बस्सी उपजिला अस्पताल में काफ़ी मरीजों की भीड़ लग रही है, स्टाफ की कमी की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखो, मरीजों की भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी हमारे पास स्टाफ, चिकित्सक स्टाफ काफ़ी हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ा सा नर्सिंग स्टाफ की कुछ कमी है, तो उसके लिए हमने सरकार को अवगत करवा दिया गया है। शायद प्रोसेस में चल रही है, तो जल्दी हमारे पास स्टाफ की भी पूर्ति हो जाएगी। आपका शुक्रिया डॉक्टर विजेंद्र सिंह। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।